को एक बार राम राम। उसे खेत में लगी है अभी वो मशीन, बहुत थोड़ा गिल्ला था लांड, जो थोड़ा सूखा था लांड। इसमें हम दिखाऊंगे उसका कलस्टर कितनी देर में भरता है। ट्रैक्टर के आर पी एम भी दिखाऊंगा। कनस्तर 21 सेकंड पे शुरू हुआ है, आप देखेंगे हम कितनी देर में भरेगा। तो खेत खेत का इतना फर्क होता है, देख लो जो कनस्तर 1 मिनट खोलने में जा रहा और यू कनस्तर भरने वाला। देख लो यू कनस्तर पूरा 1 मिनट में पूरा कनस्तर भर गया। धान सूखा है यू कनस्तर जो है, इसमें पिछले वाले खेत में पूरे 2 मिनट में भर रहा था, वही कनस्तर सूखा लांड होने पे उसी ट्रैक्टर से 1 मिनट में भर रहा है। ट्रैक्टर भी वही है, मैं आपको उसके आरपीएम दिखा दूँ एक बार। ट्रैक्टर और 100-200 RPM तोड़ रहा है। आप देखो इस ट्रैक्टर में धुआं भी बहुत कम दिखा रहा है। इस ट्रैक्टर की जो खासियत है वो ये है कि ये ट्रैक्टर जो है लोड पर दबता तो है, लेकिन इसमें गवर्नर इतने अच्छे यूज करे गए हैं कि तेल उसी हिसाब से अधिक खाना शुरू कर दे। जैसा कि मैं बता दूं, इसकी PTO पावर जो है, बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि ट्रैक्टर की PTO पावर कितनी है। 35 HP का ट्रैक्टर है वो, कुछ लोग इसे 39 का भी कहते हैं। इसकी PTO पावर जो है वो 32 HP की है, और जो इस ट्रैक्टर का जो PTO की जो शाफ्ट है वो 12 दंतों वाली है, और जो इसकी PTO के जो राउंड पर मिनट है वो 1000 राउंड पर मिनट है, जो कि सब ट्रैक्टरों के 540 और 1460 होते हैं। इस ट्रैक्टर में सिंगल PTO है, सिंगल PTO में इस ट्रैक्टर के राउंड 1000 होने की वजह से, इसी वजह से ट्रैक्टर दबता सा दिखाई दे, क्योंकि इसके राउंड ज़्यादा है। बाकी नॉर्मल ट्रैक्टरों में 250 ट्रैक्टर के ही होते हैं राउंड इतने, 1000 रुपये सिंगल PTO है। जैसा कि आपके सामने दूसरा शेर का बच्चा खड़ा है, मारे वाला 265, इसकी जो PTO पावर है इसके ऊपर मैं आपको एक दिन वीडियो बना के दिखाऊंगा, आपको राउंड के भी टेस्ट कराऊंगा। इसकी जो PTO की जो शाफ्ट है, महिंद्रा की जो शाफ्ट होती है, इसमें जो दंते होते हैं वे होते हैं 6। देखो ये वाले जो दंते होते हैं ये 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। 6 दंते हैं इसमें, और इस वाले स्वराज में जो है 12 हैं, और जो इसके जो डबल PTO है इसमें एक 540 चक्कर की, एक 1460 डबल PTO में आते हैं ये, और आइसर और स्वराज के सिंगल PTO में 1000 चक्कर में। इसकी मशीन ये ट्रैक्टर नहीं चला सकता, जबकि इसकी मशीन वो ट्रैक्टर चला सकता है। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे आपको PTO राउंड, और एक वीडियो हम आपको पंप के ऊपर दिखाएंगे, पंप बूटी पंप और इनलाइन पंप में क्या अंतर होता है। तो सभी को एक बार राम राम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जो है
कितने राउंड वाला, कितने राउंड है आपके पीटीओ के ट्रैक्टर के, और कितनी पावर जनरेट करता है आपका ट्रैक्टर, और कौन सा ट्रैक्टर है जो रेसिंग पे जो है लोड नहीं मानता, धुआं नहीं दिखाता, और कितनी मिनट में आपका एक कनस्तर निकाल देता है। कनस्तर की तो बात ऐसी है कि ट्रैक्टर को लान के ऊपर बात है कि गिल्ला है सूखा, ठीक है जी। एक बार कमेंट में जरूर बतावें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय जवान जय किसान।